हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी MP में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो का सेकंड पार्ट है क्लास टेंथ का इंग्लिश का। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लीजिए, और जो जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए चलते, अब हमारा है इस वीडियो में आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी का इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, और इसका आंसर शीट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन सी में आपको ग्रामर पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें कोई 5 करने हैं, एक एक नंबर के सब रहेगा। तो पहला है, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, विच हु वेयर। तो जहां तक इसका होगा वेयर हो जाएगा, कहां रखा है यही से क्या हो जाएगा वेयर। तो मैं इसका आंसर भी टिक करते जा रहा हूँ, एक खुल नहीं रहा, एक खुल गया है ना, तो फिर एक खुल गया, इसका वेयर होगा जहाँ तक। हिज ब्रदर इज RJ इन लोकल रेडियो चैनल, इसमें क्या होगा R, क्या हो जाता है R, ये होता है R, RJ यानी N लगेगा, इसका सीधे सा फंडा है मिडिल वाला। और तीसरा है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो क्या हो जाएगा सम एनी मेनी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे को लगता है एनी होगा। क्यों होगा एनी, क्योंकि नॉट नेगेटिव वर्ड है। और फिर चौथा है, ही हैज मेनी प्लेस, तो क्या हो जाएगा राइट रोड राइट हैंड। तो हैज लगा हैज हैव में क्या लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, राइट हैंड रहेगा। और ही हैज मेनी प्लेस, इसमें क्या हो जाएगा राइट, इसमें हैज भी है तो इसमें भी क्या लगेगा राइट हैंड ही लगेगा, दोनों में क्या होगा राइट हैंड ही आएगा। और छठवां है, दे डू नॉट प्ले विल दे वन, तो इसका सही आंसर होगा एट एंड सो। तो इसका आंसर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा जहाँ तक है, तो आप इसका ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें गलत आंसर आपको नहीं बताऊंगा। और नेक्स्ट है अपना, एक हिसक नहीं रहा है, तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। आपको 6 में से कोई 5 करने, डू एज डायरेक्टेड। तो बच्चों आपको बता दूँ, क्लास टेंथ में जो भी है, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो टेंथ और वाइज तो फिर भी आप अच्छे से पढ़ ही लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा उसी तरह आते हैं। और ये अरेंजमेंट करना थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आपको ये 5 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ऊपर भी देखें तो आपको इसमें टेंथ का ही खेल है, क्या है टेंथ का ही खेल है, और मॉडल का भी खेल है, जो 8 मॉडल के अंदर आते हैं। डू एस डायरेक्टिव में 5 करना है आपको, तो उसका देख लेते हैं। पहला क्या है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चेंज इन प्रेजेंट परफेक्ट में आपको करना है। और सेकंड है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, इसको क्या करना है बिकॉज का आपको एडजस्टमेंट करना है। ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसमें क्या करना है पर निगेटिव वर्ड में बदलना है। डिड किस में आता है आपका पास्ट इंडिफिनिट में आता, तो आप उसे निगेटिव वर्ड बना सकते हैं नॉट जोड़ के। और चौथा है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आपको चेंज करना है, और परफेक्ट में तो जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, प्रेजेंट में हैज लग जाएगा, दे हैज सेल्ड देयर हाउस हो जाएगा रियल आंसर। और पांचवा है, सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसमें आपको निगेटिव बनाना है। और फिर छठवा क्या है, रीअरेंजमेंट करना है आपको, इन द पार्क वे आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन वार प्लेइंग इन फुटबॉल इन द पार्क, ऐसे करके कुछ बनेगा। तो अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पास वो नहीं दिया गया है, इसका डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव ले लिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इसका 4 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपको ढूंढ ढूंढ के बताना है। फिर भी मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ पास आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोस्ट वाई। और तीसरा है, अकॉर्डिंग टू नीलसन मंडेला वाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। और चौथा है, मिस्टर केसिंग आस्क्ड अन्नी टू राइट एन एस, इसका आपको रियल आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, बट मैं इसका आंसर दे दूंगा, डोंट वरी, जल्दी जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन टेंथ का, रीड द फॉलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है 5 मिनट, फिर इसके बाद इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट है, फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव द टेक्स्ट बुक बीन टेकन। और दूसरा है, वेयर वाज लिंचो हाउस सिचुएटेड।
ऑर्नेस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन सेमिलर टू द वर्ड क्लोजली। और बी वाला क्या है, आपको एक पोएम दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके बुक से ही आया है ये सब, पैसेज भी है और एक पोएम भी है। और पहला है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन बीन टेकन, और दूसरा है व्हाट डज ही स्टेयर एट, और तीसरा है विच ऑफ द फॉलो इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या हो जाएगा, डफल्ट, इसका अपोजिट वर्ड बनता है ना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो दोस्तों बता दे, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे में पूरे पास के चांसेस हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया, देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मेन टू मंडेला, इसका आंसर भी मैं टेलीग्राम में दे चुका हूँ। और तीसरा है व्हाट मेक्स ए राइट किंग इन द डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एना फ्रैंक। और चौथा है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। पांचवा है व्हाई वाज द यंग सीगुल अफेयर्ड टू फ्लाई। और छठवा है व्हाई डज अनी वांट टू कीप ए डायरी। और सातवां है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। और अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कितने लगा, दो दो नंबर के, पहले कहती हैं दो दो नंबर के छः क्वेश्चन थे, आपको छः करने हैं सात में से, और इसमें से आपको तीन में से दो दो करने हैं, चार नंबर के हैं, दो दो अलग अलग करके। जैसे पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग द फ्रोस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट वेब्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा अकॉर्डिंग टू द रॉबिन टेलियन हाउ सेलिंग साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। व्हाट डज द टाइगर डू नियर द वाटर होल, आपको कोई दो करने हैं। और इसमें तिरानवे क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है, दो दो नंबर के ए भी हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर हॉरिस वेरिड अबाउट ट्रिक। और दूसरा है व्हाई हैड फॉलोअर वेंटेड टू मीट एब्सल्यूट वेल। तीसरा है व्हाट डज द थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज हाउस। अपना चौदहवा क्वेश्चन है, उसमें से एक अथवा में दिया है, और उसमें से क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेला हंग्री फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, और इसका अथवा भी आप देख लीजिएगा। और पंद्रहवें क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया फ्रॉम फायर एंड आइस के जो लेसन है उसका सेंट्रल आइडिया लिखना, और अथवा में दिया जाए व्हाट क्वालिटीज ऑफ अमंदा आर पोर्ट्राइड इन द पोएम, उसके बारे में पूरा लिखना है। आपको सोलहवें क्वेश्चन दिया है आपको इन द एंड ऑफ द लेसन व्हाई डज मिस्टर पम्फी सेज दिस इज ए ट्रम्प और सर्जरी, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है इस क्वेश्चन का, और मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँ। आप हमारे टेलीग्राम में चैनल में जरूर जुड़ जाए, और इसका पूरा वीडियो भी मैं पूरा डालने की कोशिश करूँगा एक वीडियो में, तो मैं जल्दी जल्दी में सेट के बारे में बता दिया हूँ, तो आप इसका आंसर शीट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। जय हिंद। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे मेरा थोड़ा मदद हो सके। जय हिंद।